ठाकुर हमारे रामायण बिहारी, हम हैं रामायण बिहारी के। ठाकुर हमारे रामायण बिहारी, हम हैं रामायण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रामायण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रामायण बिहारी के। हम हो चुके प्रज बिहारी के, हम हो चुके ब्रज बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रामायण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री ब्रज बिहारी भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। वार्षिक महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। नारायण 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 नारायण। प्रसन्नता का विषय है ये। आज हमारे ठाकुर ब्रज बिहारी भगवान का पाठोत्सव है, जन्मोत्सव है, प्राकट्य महोत्सव है। ये भगवान ब्रज बिहारी जी हमारे पूर्व महाराष्ट्री रमण रीति पीठाधीश्वर अनंत श्री समरंकर स्वामी काशी ब्रजानंद जी महाराज की स्मृति में उनके विग्रह के रूप में विद्यमान कराए गए। पूज्य महाराज जी की समाधि हुई थी और वो जब थे तो हमसे कहा करते थे, ये संतों की समाधि दिवस की स्मृति हमको बहुत प्रिय नहीं, उनके जन्म दिवस की स्मृति मनानी चाहिए।
तो हमारा उनकी लीला विसर्जन के अनंतर विचार हुआ कि क्यों ना उनकी समाधि दिवस को, जो कि एक यद्यपि हम जानते हैं कि गुरु कभी मरते नहीं हैं, गुरु केवल प्रकट होते हैं और नित्य हैं, जब भी उन्हें आवश्यक लगता है वो रूप धारण कर लेते हैं, ब्रह्म तत्व के समान गुरु तत्व ही निरंतर है, सनातन है, सदातन है। और जैसे परमात्मा जीव के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वैसे ही वो एक एक जीव के कल्याण के लिए पृथक पृथक गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। हम आपको स्मरण करा दें कि गुरु अनेक नहीं है, एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये भी सत्य है कि हर शिष्य के लिए गुरु एक नया अवतार धारण करता है। ये गुरु और शिष्य के मध्य का संबंध है, परमात्मा का अनुग्रह विग्रह सदगुरु है। भगवान जब सदगुरु रूप में आते हैं तो उनकी चरण रज की हम वंदना करते हैं, वंदों गुरु पद पदों पर आगा। तो भगवान सदगुरु रूप में जब आते हैं तो उनके चरणों में पद्म पराग होता है, लेकिन उनके नेत्रों में चिराग होता है, प्रकाश होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरुदेव भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अनुग्रह रूप हैं, करुणा रूप हैं, वात्सल्य मूर्ति हैं। जब तक शिष्य गुरु रूप को नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक गुरु कभी शिष्य को नहीं छोड़ता है। कई बार शिष्य प्रमाद करके गुरु से अलग होने की स्थिति समझता है, लेकिन वो चाहे कितना अपने को अलग समझे, गुरु कभी उससे विलग नहीं होता है। वो तो जब एक रूप हो जाते हैं तब तो उसमें अलग और विलग होने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए बद्रीनाथ में शरीर के अस्वस्थ होने के अंतर महाराज जी ने हरिद्वार में अपनी लीला संवरण की, रमण रीति में उनके सब समाधि इत्यादि के कार्यक्रम हुए, उनकी चर्चा तो हम बहुत रुचि से करते भी नहीं हैं। तो हमको लगा कि अब उनको एक नवीन विग्रह के रूप में विराजमान किया जाए। और तब ये हुआ कि जिस दिन उन्होंने समाधि ली तो ठाकुर के रूप में अवतरित हो गए। तो ठाकुर के रूप में अवतरित हुए तो ये ब्रजबिहारी भगवान पूज्य महन जी महाराज के ही, पूज्य महाराज जी को मैं उनको इस नाम से उच्चारण करता हूं, तो पूज्य महाराज जी को श्री ब्रजबिहारी भगवान के रूप में हम लोगों ने स्थापित किया, हम लोगों ने उनका पूजन किया। और अब रोने का उत्सव न हो करके ये हंसने का उत्सव हो गया, आनंद और विलास का उत्सव हो गया। हमारे महान जी का भी यही मन हुआ करता था कि रोने का दिन न मनाया जाए, उल्लास का दिन मनाया जाए। तो आज उल्लास का दिन है भगवान का। आज प्रातःकाल बड़ा दिव्य पाठ उत्सव का के उपलक्ष्य में अभिषेक हुआ, श्री रमण रीति में गुरु महाराज के श्री विग्रह का पंचामृत अभिषेक हुआ, और यहां उन्हीं का श्री ब्रजबिहारी भगवान के रूप में, प्रिया प्रीतम जी के रूप में बहुत
दिव्य और भव्य मंत्रोच्चारण पूर्वक पंचामृत अभिषेक पूर्वक दुग्ध से महाभिषेक संपन्न हुआ। उनका बड़ा आज दिव्य श्रृंगार किया गया, नैवेद्य और आरती सब संपन्न हुए। आज के दिन यहाँ बहुत बड़ा जनसंवर्ध हुआ करता था, संत महापुरुष दूर दूर से आके अनुग्रह करते थे, भजन करने वाले संत भी बहुत बड़ी संख्या में पधारते थे। और आप लोग तो जैसे कोई टीटी दल टूट पड़ा हो इस तरह से आते थे, आपकी गुरुनिष्ठा आपकी श्री ब्रज बिहारी के चरणों में निष्ठा प्रकट होती है। किसी प्रकार की भी सुविधा न होने पर भी, जगह जगह सम्मर्द के कारण कष्ट होने पर भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आते रहे हो और मौज में आते भी रहोगे, इनमें कोई संदेह नहीं, तो हमको उसकी स्मृति हो रही है। और आज जब हम ये शब्द बोल रहे हैं तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन विश्वास करो हमको ऐसा लग रहा है कि हम आप सब हमारे सामने बैठे हो और हम आप सबकी ओर आंखें डाल डाल करके और देख देख करके बोल रहे हैं। मेरे सामने आप सब प्रत्यक्ष हो, तो हम आपको प्रत्यक्ष देखते हुए ही आपके सन्मुख हो रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। उत्सव तो हो ही रहा है, उत्सव हृदय की स्थिति है। जो हमारे मन में उत्साह लाए, हमारे हृदय में आनंद लाए, हमको ऊपर उठाए, हमको लोक से दिव्य लोक की ओर ले चलने की प्रेरणा दे, हमें विकारों से उठा करके पवित्र विचारों की ओर उत्प्रेरित करे, इसका नाम उत्सव है। आपके हृदय में उत्सव है, आप अपने घरों में बैठ करके भी स्मरण करेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि हम वास्तव में अपने आश्रम में बैठ के ही ब्रज बिहारी भगवान के दर्शन कर रहे हैं और महाराज जी का आशीर्वाद सुन रहे हैं। कई लोग आपत्ति भी किए थे, लेकिन हमको लगता है कि तो हमारा आनंद का विषय है। आज के दिन हम भगवान के ये केक का ही काटने का आनंद लेते हैं, क्या बुराई है? एक अगर ये परिपाटी चढ़ गई तो कोई बुराई? खाने पीने की परिपाटी और ब्रजवासी खाने पीने की परिपाटी तो बड़ी जल्दी मान लेते हैं। तो आज के दिन हम बड़ा बढ़िया केक काट करके और ठाकुर जी का फिर सबको वितरण करते थे। हम लोग बड़े प्रेम से नाच गा करके नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की गाते हैं, उछलते कूदते हैं, और बाबा साहब सब संतों के साथ मिलकर के जैसे नंद बाबा ने द्रविण लुटाया था वैसे हमारे बाबा साहब आप सबको न जाने कौन कौन प्रकार की भेंट लुटाते हैं। और उन सबको लूटते हुए आप सबको यही लगता है कि अरे हम तो गोकुल में हैं, हम अपने लाला के पास हैं, हम आज कृष्ण जन्म का आनंद ले रहे हैं। वास्तव में कृष्ण का जन्म तो अंतःकरण में ही होता है। कृष्ण जन्म अंतःकरण में हुए और इसके अनंतर वही कृष्ण का जिनका प्रागट्य हमारे अंतःकरण में हुआ है वो हमारी इंद्रियों में भी पधारे, केवल अंतःकरण में ही ना रहे, इंद्रियों में भी आ जाए। हमारे हमारे हाथों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे पैरों में कृष्ण, मेरे कानों में कृष्ण, मेरी आंखों में कृष्ण, हमारी सभी इंद्रियों में श्री कृष्ण श्री ब्रजबिहारी भगवान आ जाए सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से। तो जिधर देखूं तिधर श्याममयी है, जहां भी मेरी आंख जाए वहां मुझे श्याम ही दिखाई पड़े, रमण बिहारी ही दिखाई पड़े, सद्गुरुदेव भगवान का विग्रह दिखाई पड़े, हमारे हाथ निरंतर उनकी सेवा करें। जो भी कर्म करें हम, यद्यत कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् कृष्ण तवाराधनम, हम तुम्हारे आराधन के लिए ही कर्म करें।
हमारे पैर आपकी सेवा के लिए ही गमन करें। हम अगर भोजन भी करें तो आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं, आपका नैवेद्य होने के अंतर जो प्रसाद संतों के भोग लगने के बाद जो महाप्रसाद होता उसको ही ग्रहण करें। कहने का आशय है कि हमारा समग्र जीवन, हमारा समस्त क्रियाकलाप, ये सब का सब श्री कृष्ण के लिए हो, श्री रमण रेती के लिए हो, श्री रमण बिहारी के लिए हो, श्री ब्रज बिहारी के लिए हो, सद्गुरुदेव भगवान के लिए हो। तो ये भगवान के अंतःकरण में प्राकट होने के बाद जो नंद महोत्सव होता है, तो नंद महोत्सव का उल्लास भगवान रमण बिहारी के हमारे इंद्रियों के समूह के अंदर पधारने का महोत्सव है। जब पैर में आते हैं तो हम नाचने लगते हैं, हाथ में आते हैं ताली बजाने लगते हैं, मुंह में आते हैं तो हम गाने लगते हैं, कान से हम सुनने लगते हैं और नेत्र से तो उनकी छवि देखते ही रहते हैं। तो हमारे समग्र जीवन में, हमारे समग्र आचार व्यवहार में भगवान श्री रमण बिहारी ब्रज बिहारी पधारें, यही नंद महोत्सव का तात्पर्य है। ये हम लोगों के एक सामूहिक प्रारब्ध के कारण कोरोना की स्थिति प्रकट हुई। अब हम इसको विपत्ति कहें कि क्या कहें, हमको विपत्ति कहने में थोड़ा संकोच इसलिए होता है कि ये भगवान की लीला ही है, और भगवान की लीला है तो इसमें बहुत कुछ कठिनाइयां आई। आप सबने बहुत कठिनाई, आज के दिन आप नहीं आ पाए, कितनी पीड़ा हो रही होगी आपको। हम इससे समझ रहे हैं कि हमको आपसे मिलने की इतनी आकांक्षा होती और नहीं आ पाए तो कितनी पीड़ा होती। हम दीनानगर में भी जाते रहे इसीलिए कि वहां पर भी आनंद लें सबके साथ। तो यद्यपि एक पक्ष इस तरह का भी है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इसके कारण वातावरण कितना स्वच्छ हो गया, नदियां कितनी स्वच्छ हो गई, इतना बड़ा ओजोन का जो क्षेत्र था वो फुला गया था, जिसके कारण विश्व को बहुत बड़ी समस्या थी वो आपूरित हो गया, लगभग हो रहा है। तो और ये पवित्र वायुमंडल होने के कारण न जाने कितने एक्सीडेंट हुआ करते। तो एक देखने की दृष्टि है। हम कोरोना की इस विभीषिका को हम कोई बड़ा स्वागत कर रहे हैं ये हम नहीं कह रहे, लेकिन तो भी हम इसको निंदा इसलिए नहीं करेंगे, भाई तेरा भाणे सर्वत्र का भला, तुझे अगर ये अच्छा लगता है तो हमको भी अच्छा लगेगा, हम घर में बैठ करके ब्रज बिहारी का दर्शन करें, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो ये भगवान की लीला है, जिस विद राखे राम ताहि विद रहिए, हमने प्रताप। लेकिन हमको अब अगर ठाकुर जी इस तरह रखना चाहते तो हम ठाकुर जी का जो निर्देश उसका पूरा पालन करें। ठाकुर नहीं चाहते हैं कि तुम व्यर्थ के जन सम्मर्द करो, करोड़ों करोड़ रुपए के व्यय पूर्वक बड़ी बड़ी शादियां करो, नहीं, जो शादी की विवाह की मर्यादा है उनका पालन करो और इसके बाद अपने आनंद को किसी और रूप से प्रकट करो। इसी प्रकार खान पीन में, व्यवहार में संयम करना भगवान की अभिलाषा है, आप कर ही रहे। स्पर्शापर्श विवेक होना चाहिए, वो आप, ये हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया था कि किस प्रकार से स्वच्छता रखना चाहिए, कैसे वायु शुद्ध रखनी चाहिए। तो हम वायु को शुद्ध रखें भी और शुद्ध वायु को ग्रहण भी करें, पवित्र भोजन करें भी और भोजन को पवित्र ढंग से उपजाएं भी। तो ये हमको एक प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, और ये जब एकांत निवास का मौका मिला तो हमारे न जाने कितने संतों ने बड़े बड़े अनुष्ठान एकांत वाले कर लिए। अरे हमारे दिल्ली के श्याम चावला ने तो न जाने कितने अनुष्ठान कर लिए, लाखों लाखों वाले, हमको बड़ी प्रसन्नता। तो एक मैंने नाम ले दिया, निकल गया मेरे मुंह से, मेरा नाम निकालने का तात्पर्य था। तो बहुत लोगों ने भजन किया है, तो बहुत लोगों को बिना किसी बाधा के भगवान के इस सामीप्य का भी अनुभव करने का मौका मिला। भगवान ने हम लोगों को सेवा करने का अवसर दिया, जनता जनार्दन की सेवा के लिए हमको अवसर मिला और उसका हम लोगों को लाभ लिया।
जगह जगह जैसे जैसे सेवा रमन बिहारी ने करवाई वो सब की गई, प्रकट रूप से भी और गुप्त रूप से भी। तो ये हमने निवेदन किया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू तो आप सब लोग जान ही रहे हो, उसका मैं क्या बखान करूं। लेकिन इसका उत्तम पक्ष यही है कि हम भगवान की निकटता की और अनुभूति कर सके। निकटता की अनुभूति के विषय में हमारी दूरी तो थोड़ी शरीर से बड़ी, लेकिन मन से हम आपके बहुत नजदीक हो गए। आज कल उत्सव का तीसरा दिन होता और परसों के दिन गुरु पूजन आप लोग करते। अब ये गुरु पूजन जो आप करते शरीर से, अब मन से कर लो। जैसे जैसे आप लोग पंक्ति लगाते थे वैसे वैसे पंक्ति लगाओ। जिस तरह की परिस्थिति दिख रही है उसके